चैप्टर फोर के पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे कुछ अहम फिजिकल क्वांटिटीज, वर्क, पावर, एनर्जी और एनर्जी की एक खास किस्म मैकेनिकल एनर्जी, जिसकी दो फर्दर किस्में हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने लगे हैं, वर्क। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक लकड़ी के डब्बे को रस्सी से बांध के एक बंदा खींचता है, जिसके नतीजे में ये डब्बा हॉरिजॉन्टली मूव करता है फर्श के ऊपर और अपनी नई पोजीशन के ऊपर आ जाता है। अब हम देखते हैं फोर्स वेक्टर कैसा होगा। फोर्स एक एंगल के ऊपर अप्लाई किया गया विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर रेफरेंस लिया जाए तो फोर्स वेक्टर के दो कंपोनेंट्स निकलते हैं, एक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पैरेलल परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा, और एक जो उसके पैरेलल है। वर्क को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वर्क आ जाता है। मैथमेटिकली एफ डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का क्या है, एफ कॉस थीटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, टी के साथ। हम इनके मैग्नीट्यूड्स लेंगे इन वेक्टर्स के, तो ये मेरे पास वर्क आ जाता है। इसको मैं दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकती हूँ कि जो भी मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है, किसी और सिनेरियो में अगर फोर्स इस तरह का था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो भी एंगल बन रहा होगा, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसको कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमें इनके पैरेलल कंपोनेंट्स दे देता है। लेकिन अगर हम इसको कॉमन सेंस से समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हमारे पास वर्क आता है। यानी जब तक दो केसेस में वर्क नहीं होगा, पहला केस जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो बेशक डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क नहीं होगा। इसकी मिसाल क्या है, एक बाल्टी में एक बंदा पानी लेके जा रहा है, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, फोर्स वेक्टर यू है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्रीज, एफ डी कॉस थीटा। कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, कोई वर्क नहीं होगा। फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन वर्क नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा। दूसरी मिसाल, जब तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ना हो, वर्क नहीं होता। एक दीवार है, उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ 50 न्यूटन्स, मगर दीवार अपनी जगह से नहीं हिलती। इसका मतलब है एफ डी कॉस थीटा में क्या चीज़ जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। जब तक फोर्स के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट ही होगी, वर्क नहीं होगा। जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो फोर्स का कोई कॉम्पोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, वरना वर्क नहीं होगा। और वर्क के यूनिट क्या होते हैं, फोर्स के यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर्स, न्यूटन मीटर, जिनको हम जूल्स भी कहते हैं। हम एक ग्राफ लेते हैं जिसके वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स और एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, और हम अज्यूम करते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, यानी कॉस जीरो है, वरना हम फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट भी ले सकते हैं, मगर इस केस में हम सिंप्लीफाई करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में अप्लाई किए जा रहे हैं। एक डब्बा है जिसको मैं इस डायरेक्शन में खींच रही हूँ यूं रस्सी बांध के, और ये डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। मैं कॉन्स्टेंटली 5 न्यूटन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, जिसके नतीजे में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 5 न्यूटन फोर्स कॉन्स्टेंट रहेगा मगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, समझे डिस्प्लेसमेंट 10 हो जाती है 10 मीटर्स, और फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई हो रहे हैं। मैं वर्क निकालना चाहती हूँ, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 5 न्यूटन को डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। मगर मैं इसको ग्राफिकली भी कर सकती हूँ। अगर मैं इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लूँ, एक स्क्वायर का एरिया हम किस तरह निकालते हैं, उसकी लेंथ को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एरिया आ जाता है। इस स्क्वायर के एरिया के लिए मुझे इसकी लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी लेंथ सिंपली उसकी डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर्स, और इसकी हाइट उसका फोर्स है 5 न्यूटन। तो फोर्स को मैं जब डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वर्क आ जाएगा। इस तरह कोई भी ग्राफ अगर आपके पास हो, अगर हम उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लें, कैसा भी ग्राफ हो, तो हम ये देखते हैं कि x एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी थी और y एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी थी, उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो क्वांटिटी आती है उसके क्या यूनिट्स होते हैं।
वो जो नई क्वांटिटी होती है एरिया अंडर द कर्व हमें वो क्वांटिटी बताता है, जिस तरह इस केस में वर्क। अब हम एक वेरिएबल फोर्स लेते हैं, y एक्सिस के ऊपर f cos थीटा है, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, और x एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है। एक कांस्टेंट फोर्स आ रहा था मगर वो फोर्स फिर कम होना शुरू हो गया लीनियरली। यू मेरे पास एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल आ गया। अब अगर मैं वर्क कैलकुलेट करना चाहती हूँ, मैं स्क्वायर का एरिया लूंगी और उसको ट्रायंगल के एरिया में ऐड कर दूंगी, मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अगर मेरे पास ऐसा केस हो जिसमें ये ग्राफ रेगुलर किसी शेप का नहीं है बल्कि एक इरेगुलर शेप्ड ग्राफ है, तो मैं इसका एरिया अंडर द कर्व किस तरह ले सकती हूँ? मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ छोटे छोटे स्क्वायर्स में। अगर मैं इसको यूँ डिवाइड करूँ तो मैं हर हिस्से को एक स्क्वायर ऑलमोस्ट कंसिडर कर सकती हूँ, थोड़ा सा बीच में एरर होगा जिसको मैं निगलेक्ट कर सकती हूँ, और फिर मैं हर हर स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करूँगी और इन सबको आपस में ऐड कर दूंगी, मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। मैथमेटिकली मैं उसको लिख सकती हूँ, एक स्क्वायर का के लिए मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू है एफ आई कॉस थीटा आई, इस स्क्वायर में जो फोर्स और कॉस थीटा की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय डी आई, इस स्क्वायर में जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आयत स्क्वायर कह लेते हैं, और फिर हम इसको सम कर लेते हैं आई को वन से लेके जितने टोटल एन नंबर तक स्क्वायर्स हैं, तो मेरे पास सब स्क्वायर्स का एरिया आ जाएगा और उनको मैंने समेशन के जरिए ऐड कर लिया, मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हम वो वर्क जल्दी भी कर सकते हैं, देर से भी कर सकते हैं। एक खास फोर्स अप्लाई करके मैंने एक चीज़ को एक खास डिस्प्लेसमेंट देनी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं वो काम 1 सेकंड में कर लूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं घंटा लगा के करूँ। तो इस चीज़ को नापने के लिए हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं पावर, जो हमें वर्क को टाइम के साथ रिलेट करके बताती है। पावर होता है हमने कितना काम किया, और हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि वो हमने कितने टाइम में किया, तो हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाता है जिसको हम पावर कहते हैं। फर्स्ट करें, हमने बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया था 10 न्यूटन और ये डिस्प्लेस हुआ 5 मीटर्स, और ये पूरा काम करते हुए हम टाइम नाप रहे थे और टोटल टाइम हमने देखा कितना लगा, 5 सेकेंड्स लगे इसमें। तो हमारे पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, मैं पावर कैसे कैलकुलेट करूंगी? वर्क 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 5 मीटर, ये चीज़ मुझे देगी वर्क, और इसको मैं डिवाइड करूंगी डेल्टा टी, कितने टाइम में हुआ, 5 सेकेंड्स में हुआ। तो मेरे पास क्या आ जाता है, 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। हम देख सकते हैं कि पावर की यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकेंड है, इनको हम वॉट्स भी कहते हैं। अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं किसी चीज़ के ऊपर, वो 1 मीटर मूव करे और ये पूरा काम 1 सेकेंड में हो, तो हम कहते हैं कि 1 वॉट पावर कंज्यूम हुई। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक जितना हम किसी चीज़ के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं जूल्स में, उतनी ही हम उस चीज़ के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। एनर्जी के यूनिट्स भी जूल्स होते हैं, यानी वर्क और एनर्जी को हम इक्वेट कर सकते हैं। जितना वर्क होगा, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे पता है फोर्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो मैं आपको बता सकती हूँ वर्क जूल्स में कितना है, और फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई उस सिस्टम में। जो हमने एग्जांपल देखी थी जिसमें एक डब्बे को एक बंदा मूव कर रहा था रस्सी से पकड़ के, तो इस बंदे ने वर्क परफॉर्म किया, इसका मतलब है इसने अपनी एनर्जी इस सिस्टम में ट्रांसफर कर दी। बंदे के पास क्या एनर्जी हो सकती है, उसकी बायोलॉजिकल एनर्जी हो सकती है, उसने खाना खाया, जो भी उसकी एनर्जी थी उसने वो एनर्जी इस्तेमाल करते हुए फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी वर्क हुआ। कितना वर्क हुआ, हम कहते हैं 50 जूल वर्क हुआ, 10 न्यूटन फोर्स था, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई, जिसके नतीजे में 50 जूल वर्क हुआ। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मुझे ये बताता है कि 50 जूल एनर्जी मैंने ट्रांसफ़र कर दी, वो एनर्जी कहाँ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये डब्बा मूव कर रहा है, तो मूविंग चीज़ों के अंदर एक एनर्जी होती है खास जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो वो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वर्क इस केस में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि मुझे पता है कि इक्वेशन होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी जो चीज़ मूव करी होती है उसका मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी स्क्वायर्ड उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि सारा वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे वर्क, तो मुझे पता है कितना फोर्स और कितनी डिस्प्लेसमेंट थी, 50 जूल्स वर्क था। अब यहाँ से मैं यूजफुल कैलकुलेशंस कर सकती हूँ। मसलन अगर मुझे मास पता हो इस डब्बे का, हम अज्यूम करते हैं इस डब्बे का मास 2 था, 2 किलोग्राम्स, तो मैं इसको
इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ कि डब्बा मूव किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी इस पूरी कैलकुलेशन से, क्योंकि इसमें अननोन सिर्फ वी है। इसी तरह हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को इस बुक में आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। इस प्रिंसिपल की मदद से हम बहुत सारे सिचुएशंस में इम्पॉर्टेंट चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, हरकत में होती है, तो उसके अंदर एक खास एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, काइनेमेटिक स्टडी ऑफ मोशन होता है, और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं अगर आपको याद हो तो। काइनेटिक बेसिकली मतलब इसका एग्जैक्टली ये है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी जब एक बॉडी मूव करी होगी तो उसके अंदर एक खास एनर्जी होगी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और वो बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, जहाँ पर एम उस बॉडी का मास है और वी वो वेलोसिटी है जिससे वो मूव करी है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके यूनिट्स देखते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास एक 5 kg का बॉक्स है और वो मूव हमने कराया तो वो 4 या 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव किया, ये स्क्वायर हो गया। हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है, 1/2 5 kg, 2 2s are 4 meter square over second square। अब हम इसको 2 से काटते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 kg meter square per second square। इसको हम यू में लिख सकते हैं 10 kg meter per second square into meter। अगर आपको याद हो kg meter per second square किसके बराबर होता है, न्यूटन के, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स क्या आ गई, 10 न्यूटन मीटर या 10 जाउल्स। इसका मतलब है कि वो बॉडी जो मूव कर रही है तो उसके अंदर 10 जाउल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैं। पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फोर्स फील्ड क्या होती है। एक ऐसी स्पेस जिसमें एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके, उस फोर्स की फोर्स फील्ड कहलाती है। मसलन ज़मीन की सतह जो है उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स फील्ड है जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़मीन की तरफ खिंचती हैं। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की फोर्स फील्ड है ज़मीन की सतह के ऊपर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मसलन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो जगह होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होती है, और इसकी वजह से अगर कोई मेरे पास चार्ज है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि उसको अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ खींचेगा। तो इस फोर्स फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें ज़मीन की सतह पर एक बॉल है और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो अगर इस बॉल को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, यानी डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह से हट गया, इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट हुई। फॉर एग्जांपल हाइट इसकी एच थी तो उसमें एच डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी एक खास फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट हुई। हमें पता है कि वर्क क्या होता है। जब एक फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ। हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या वर्क हो रहा है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें पता है एम जी के बराबर होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट जो हुई हाइट एच, तो हमारे पास हमें यह पता चल गया कि एम जी एच के बराबर वर्क हुआ। अब ये बॉल जमीन की तरफ खिंच गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अगर हम इसके ऑपोजिट केस देखें जिसमें ये बॉल इस सतह पे पड़ा हुआ था और इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को काउंटर कर रहा था, और उस फोर्स के तहत लेट से किसी बंदे ने इस बॉल को उठा के ऊपर रख दिया वापस, जिस भी वो फर्ज करें एक सतह पे ये बॉल पड़े हुए थे, अब ये बॉल दोबारा डिस्प्लेस हो गया। इस केस में जो फोर्स था वो एक्सटर्नल फोर्स था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके उसको काम करना पड़ा था, तो उस केस में भी जो हमारा वर्क होगा वो एम जी एच के ही बराबर होगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, वो माइनस एम जी एच के बराबर होगा। हमें पता है कि जब भी वर्क होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस खास किस्म के केस में जिसमें एक फोर्स फील्ड होती है और उसमें एक बॉडी को मूव करने के लिए हमें फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जाना पड़ता है, तो उस केस में जो वर्क होता है उसके नतीजे में हम उस बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब भी वर्क होता है एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो इस केस में हम उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अब ये बॉल मूव नहीं कर रहा मगर ये उस फोर्स फील्ड में चूंकि खड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट जाके खड़ा हुआ है, एक खास हाइट पर खड़ा हुआ है, इस वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हुई है। अगर मेरे पास ऐसी सीढ़ियाँ हैं और इनके ऊपर चढ़ के मैं एक हाइट अचीव कर लेती हूँ,
और साथ ही एक स्ट्रेट सीढ़ी लगी हुई है। इन दोनों में से मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ूं, मैं एक हाइट हाइट मेरी सेम है, मैं हाइट एज अचीव करती हूँ। तो दोनों केसेस में मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, वो सेम होगी या मुख्तलिफ होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि MGH के बराबर होती है और वो सिर्फ हाइट पर डिपेंड करी है। तो दोनों केसेस में मेरे अंदर एक जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इसकी वजह क्या है? हमें पता है कि फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है उसकी वजह से वर्क हो रहा होता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली एक्ट करता है, चीज़ों को स्ट्रेट नीचे खींचता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। तो जो हाइट के वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वजह से वर्क होता है, जो हाइट के जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वजह से वर्क होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे जो ये कंपोनेंट्स हैं इनकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है कोई वर्क नहीं कर रही। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही। ऐसे सब फोर्सेस जिनकी वजह से जो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, अब मैं इस पाथ को फॉलो करूं या इस पाथ को फॉलो करूं, एक जितनी मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ऐसे फील्ड्स को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं और जिन फोर्सेस की वजह से ये फील्ड होती है उनको कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फोर्स है। कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करे होते हैं, अगर आप लंबी पाथ फॉलो करें तो वो फोर्सेस ज्यादा काम करते हैं, अगर छोटी बात करें तो कम करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इसकी एक एग्जांपल है, इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस इसकी एग्जांपल है।